तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। फ्रेंड्स, आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। ये जो गाना लिखा है तेरी मिट्टी में बह जावा, ये मनोज मुंतशिर उन्होंने लिखा है। उन्हीं की एक कविता है जिनका शीर्षक है आज़ादी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। करंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय, स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में वो अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था, और 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ डेढ़ गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी, और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर, अब जरा आगे बढ़ना होगा। वीद पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा, और समझना होगा कि जहां आज़ादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है। इस देश में आज़ादी के एक या दो नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं। आज़ादी वो है जब पैरों को छालों का डर ना रहे और टोपियों को सिवालों का। आज़ादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खागा ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना बहे और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा, बेखौफ जीना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आज़ादी है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।